नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से पश्चिम बंगाल की दो दिन की यात्रा पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने LVM3 उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो को बधाई दी। पर्यावरण और जलवायु निरंतरता कार्य समूह की दूसरी बैठक आज से गुजरात के गांधीनगर में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त असम में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए परिसीमन अभियान पर विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर निखत जरीन और लवलीना बोरगोहाइन को बधाई दी। और क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर महिला प्रीमियर लीग की ट्रॉफी जीती। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन की पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विभिन्न समारोहों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए नेताजी भवन जाएंगी। इसके बाद वे जोरासांको ठाकुरबाड़ी रविन्द्रनाथ टैगोर के निवास स्थान जाकर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी। शाम को राष्ट्रपति के सम्मान में नेताजी इंडोर स्टेडियम कोलकाता में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम होगा। राष्ट्रपति कल बेलूर मठ जाएंगी। वे कोलकाता में यूको बैंक की स्थापना का 80वां वर्ष पूरा होने के कार्यक्रम में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का बाद में शांति निकेतन जाने का कार्यक्रम है, जहां वे विश्व भारती के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन वेब इंडिया टू मिशन के LVM3 उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के लिए NSIL इन स्पेस और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को बधाई दी है। वन वेब के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आत्मनिर्भरता की सच्ची भावना के अनुरूप विश्व स्तर पर वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवा प्रदाता के रूप में भारत की अग्रणी भूमिका का परिचायक है। कल भारत ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से वन वेब इंडिया टू मिशन के 36 उपग्रहों के साथ LVM3 उपग्रह छोड़ा। वन वेब नक्षत्र ग्रह के चारों ओर उपग्रहों का एक नेटवर्क है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में ब्रॉडबैंड संपर्क प्रदान करना है। प्रक्षेपण के बाद इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ ने कहा कि वन वेब इंडिया टू श्रृंखला के पहले 16 उपग्रहों के योजना के अनुसार सही कक्षा में भेजा गया है और शेष 20 उपग्रहों को जल्द ही स्थापित कर दिया जाएगा। पर्यावरण और जलवायु निरंतरता से संबद्ध कार्य समूह की दूसरी बैठक आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में शुरू होगी। इस आयोजन में 30 से अधिक देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। बैठक का औपचारिक उद्घाटन कल केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोष की मौजूदगी में होगा। 3 दिवसीय बैठक 3 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैव विविधता और भूमि क्षरण, चक्रीय अर्थव्यवस्था में संसाधन दक्षता को प्रोत्साहित करने और सतत तथा जलवायु अनुकूल समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अहमदाबाद हवाई अड्डे पर G20 के प्रतिनिधियों का पारंपरिक रूप से स्वागत किया जाएगा। आज के कार्यक्रम के दौरान सभी के लिए जलापूर्ति सुलभ बनाने की भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसके बाद सभी G20 देश जल संसाधन प्रबंधन की अपनी अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन करेंगे। बाद में प्रतिनिधियों को प्राचीन बावड़ी अडालज की वाव ले जाया जाएगा। बाद में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को गुजरात की इंजीनियरिंग उपलब्धि समान साबरमती साइफन स्ट्रक्चर और साबरमती एस्केप भी ले जाया जाएगा। इस 3 दिवसीय बैठक के दौरान नमामि गंगे, जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान जैसी भारत सरकार की विभिन्न जल प्रबंधन पहलों को दुनिया के सामने रखा जाएगा। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और दोनों चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल राज्य में विधानसभा
और संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन प्रक्रिया पर चर्चा के लिए असम के 3 दिन के दौरे पर कल शाम गुवाहाटी पहुंचे। तीनों चुनाव आयुक्त परिसीमन प्रक्रिया के संबंध में राजनीतिक दलों और समाज के विभिन्न वर्गों और हितधारकों के साथ विचार विमर्श करेंगे। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नितिन खाडे ने बताया, भारत निर्वाचन आयोग आज यहाँ गुवाहाटी में असम के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र के डिलिमिटेशन के बारे में सारे स्टेक होल्डर्स और पब्लिक से कहना है वो सुनने के लिए आया हुआ है। पहले सत्र में सारे जो रिकग्नाइज नेशनल एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज है उनके साथ उनकी मीटिंग है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, नॉन रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज है, उनसे भी माननीय आयोग मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों से एहतियात बरतने और स्वच्छता का ध्यान रखने की अपील की है। कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 99वीं कड़ी में उन्होंने ये बात कही। श्री मोदी ने लोगों से अंगदान करने की भी अपील करते हुए कहा कि कई जरूरतमंद लोग अंगदान की प्रतीक्षा में हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंगदान के लिए उसी राज्य का निवासी होने की शर्त को हटाने का निर्णय लिया गया है। इससे लोग किसी भी राज्य में अंगदान के लिए पंजीकरण करा सकेंगे। देश में ऑर्गन डोनेशन के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। साल 2013 में हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन के 5000 से भी कम केसेस थे, लेकिन 2022 में ये संख्या बढ़कर 15000 से ज्यादा हो गई है। मुझे संतोष है कि अंगदान को आसान बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश में एक जैसी पॉलिसी पर भी काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से 30 अप्रैल को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के लिए सुझाव और विचार भेजने का आग्रह किया है। और अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित हमारी विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है राष्ट्र प्रेम से प्रेरित जवानों की जिंदगी। लोग आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 25वीं कड़ी में पेश है मन की बात का वो खास अंश जिसमें प्रधानमंत्री ने देश के वीर जवानों की जिंदगी से प्रेरणा लेने की अपील की है। सीमा की रखवाली हो या अंदरूनी सुरक्षा का सवाल, वीर जवान अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहते हैं। लेकिन जब प्राकृतिक आपदा आती है, बाढ़ का संकट आता है, जलजला आता है, राहत और बचाव के लिए सबसे पहले याद आती है सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों की। लड़ाई का माहौल हो या प्राकृतिक संकट, आफत की हर घड़ी में देश को सबसे ज्यादा जवानों की ही याद आती है। देश को उन पर ही सबसे ज्यादा भरोसा है। जवानों के इस राष्ट्र प्रेम को प्रधानमंत्री ने 30 अक्टूबर 2016 को यूं याद किया। मेरे प्यारे देशवासियों, ये बात सही है कि सेना के जवान सिर्फ सीमा पर नहीं, जीवन के हर मोर्चे पर खड़े हुए पाए जाते हैं। प्राकृतिक आपदा हो, कभी कानूनी व्यवस्था के संकट हो, कभी दुश्मनों से भिड़ना हो, कभी गलत राह पर चल पड़े नौजवानों को वापस लाने के लिए साहस दिखाना हो, हमारे जवान जिंदगी के हर मोड़ पर राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर के काम करते रहते हैं। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और रात 8:45 बजे समाचार संध्या में। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल फरीदाबाद के साथ 500 से 650 बिस्तर का अस्पताल संलग्न करने की घोषणा की है। समारोह को संबोधित करते हुए श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशों के बाद ईएसआईसी अपने प्रशासन और सेवा में प्रदान करने में पारदर्शिता सुनिश्चित कर रहा है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं नहीं नहीं, उपाय है उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानु का इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर मुक्केबाज निखत जरीन और लवलीना बुरगहान को बधाई दी है। निखत को उनकी शानदार जीत पर बधाई देते हुए श्री मोदी ने कहा कि निखत श्रेष्ठ चैंपियन हैं जिनकी सफलता ने कई मौकों पर भारत को गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री ने लवलीना को उनके शानदार प्रदर्शन और खेल कौशल दिखाने के लिए बधाई दी और कहा कि भारत उनके स्वर्ण पदक जीतने से खुश है। भारत ने नई दिल्ली में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक मुक्केबाजी पदक विजेता लवलीना बुरगोहाइन ने कल शाम 75 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की कैटलीन पार्कर को हराकर स्वर्ण पदक जीता और निखत जरीन ने 50 किलोग्राम लाइट फ्लाईवेट श्रेणी में वियतनाम की न्यूगेन थी टेन को हराकर प्रतियोगिता में भारत के लिए तीसरा पदक जीता था। क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने महिला प्रीमियर लीग का पहला मैच जीत लिया है। उन्होंने कल शाम मुंबई के ब्रिबॉन स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराया। मुंबई इंडियंस को जीत के लिए 132 रन चाहिए थे और उसने 19 ओवर और 3 गेंद में 3 विकेट खोकर 134 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे हिंदी और अंग्रेजी में अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में COVID-19 और इन्फ्लुएंजा संक्रमण के एहतियाती उपाय और उपचार विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। COVID-19 और इन्फ्लुएंजा संक्रमण के एहतियाती उपाय, लक्षण, निदान और उपचार पर श्रोता विशेषज्ञ से अपने सवाल पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर 2371-7106-2331-4444 पर कॉल की जा सकती है और व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल भेजे जा सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार। धन्यवाद चंद्रिका। अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा कल एक बार फिर उपलब्धि हासिल करने को आज कई अखबारों ने बड़ी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला के शब्द हैं, इसरो की ऊंची छलांग, सबसे बड़े रॉकेट से 36 उपग्रह भेजे। प्रधानमंत्री के मन की बात में किए गए इस आह्वान को भी आज कई अखबारों ने सुर्खी बनाया है, जिसमें उन्होंने अंगदान के महत्व पर देशवासियों को जागृत करते हुए कहा कि अंगदान जीवन देने का बड़ा माध्यम बन चुका है। साथ ही भारत में बढ़ती नारी शक्ति की भूमिका का जिक्र अखबारों में है। लगभग सभी अखबारों ने देश की बेटियों के फिर स्वर्ण पदक जीतने की खबर को सचित्र दिया है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, गोल्ड हुए 2×4, निकहत और लवलीना भी लाई सोना, लिखा है दैनिक भास्कर ने। कोविड के बढ़ते मामलों पर लगभग सभी अखबारों ने चिंता व्यक्त की है। मौसम विभाग के हवाले से जनसत्ता की खबर है, 29 मार्च को फिर शुरू होगा बारिश और आंधी का दौर। दैनिक भास्कर की खबर है, 50 वर्ष बाद बदलेगी सेना की डाइट, सैनिक खाएंगे मोटा अनाज, 1 अप्रैल से सभी यूनिट में शुरुआत, थाली में मोटे अनाज की मात्रा 25% होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से पश्चिम बंगाल की 2 दिन की यात्रा पर। प्रधानमंत्री मोदी ने LVM-3 M-3 उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो को बधाई दी। पर्यावरण और जलवायु निरंतरता कार्य समूह की दूसरी बैठक आज से गुजरात के गांधीनगर में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त असम में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए परिसीमन अभियान पर विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा करेंगे और प्रधानमंत्री ने महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने पर निखत जरीन और लवलीना बुरगहाइन को बधाई दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
आवाज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम।